आप सबको पता है कल क्राइम ब्रांच की एक टीम, दिल्ली पुलिस की एक टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर आई थी और एक नोटिस देना चाह रही थी। 5 घंटों तक उन्होंने सड़क पर इंतज़ार किया और आखिर में ये नोटिस सीएम ऑफिस, सीएम दफ्तर के किसी स्टाफ को देके गए। ये नोटिस की कॉपी मेरे पास है, ये है नोटिस की वो कॉपी। ना इसमें कोई एफआईआर का जिक्र है, ना तो ये समन्स है, ना ये कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, ना इसमें कोई सीआरपीसी की धारा का मेंशन है, ना आईपीसी की धारा का मेंशन है। केवल और केवल वाइट पेपर पे ये एक खत है, क्राइम ब्रांच की तरफ से ये अरविंद केजरीवाल को केवल एक खत है। और एक खत को सौंपने के लिए, दुख होता है कि एक खत को सौंपने के लिए भाजपा ने दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अफसर को 5 घंटे तक नौटंकी कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास के घर के बाहर सड़क पे नचाया। बहुत दुख होता है, हमें, हमारी सहानुभूति है इस अफसर से कि उनको ये काम करने पे मजबूर किया। आप खुद सोचिए, ये केवल और केवल एक खत है। हर दिन अगर आप देखो तो किसी के भी घर अमेजोन फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉयज आते हैं, कुछ देके जाते हैं, कोई खत आता है, पोस्टमैन आता है, चिट्ठी देके जाता है। हर मंत्री के घर के बाहर या हर मुख्यमंत्री के घर पे एक डाक ऑफिस होती है जो ये खत रिसीव करती है। तो ये क्यों हुआ कि क्राइम ब्रांच के एक सीनियर अफसर को भाजपा के कहने पर 5 घंटे तक केवल और केवल यही गुजारिश करने के लिए कि नहीं मैं दूंगा तो मुख्यमंत्री के हाथ में दूंगा ये खत, जिसका कोई लीगल बेसिस नहीं था। मुझे दुख होता है क्राइम ब्रांच के इस अफसर पर कि जब उसने नौकरी ज्वाइन करी थी तब क्या सोचा होगा कि मैं क्राइम को ख़त्म करने के लिए नौकरी में आया हूँ। दिल्ली जैसी राजधानी में अगर मुझे क्राइम ब्रांच में ऑफिसर बनाया गया है तो मैं अपहरण के केसेस सॉल्व करने के लिए आया हूँ, महिला सुरक्षा पहुँचाने के लिए आया हूँ, बड़े बड़े क्राइम सॉल्व करने के लिए आया हूँ, ना कि मुख्यमंत्री घर के बाहर भांगड़ा और नौटंकी करने के लिए 5 घंटे तक बीजेपी के इशारे पे खड़ा रहूँगा। और उसके बाद भी जो उन्होंने किया वही हुआ कि सीएम ऑफिस के किसी अफसर को वो चिट्ठी देके गए।